हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माइट सलोनी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखो हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा उस इंट्रोडक्शन में हमने ये सारी चीजें देखी कि सबसे पहले तो आप चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हो तो चैप्टर बेस्ड है ग्लोबलाइजेशन को लेकर और

था, तो हमने ग्लोबलाइजेशन का बेसिक मीनिंग ग्लोबलाइजेशन क्या है ये so, ये जो पूरा globe है, ये जो पूरा पूरा है, है, इसमें जितने 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 भी जितने भी nations जितने भी state है, जितने भी हैं, 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 वो सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं है, उनके बीच में रिलेशनशिप बिल्डअप होती है चाहे इकोनॉमिकली हो सोशली हो कल्चरली हो पॉलिटिकली हो हर एक तरह से दैट प्रोसेस और दैट सिस्टम इज कॉल्ड वॉट ग्लोबलाइजेशन अब जो चैप्टर पर आ चुके हैं वो क्या है कि ग्लोबलाइजेशन का सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मतलब चैप्टर के जो नेक्स्ट टॉपिक पर आ चुके हैं कि सोसाइटी में या सोशियोलॉजी में ग्लोबलाइजेशन का क्या सारा सिग्निफिकेंस है ये सब कुछ अब हम यहां इस एक लेक्चर के अंदर जो है पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे Clear है होप so टॉपिक समझ में आ गया होगा कि पढ़ने क्या वाले हैं और अगर इंट्रोडक्शन किसी भी स्टूडेंट ने मिस किया है तो उसको जो है फटाफट से जाके देख लो बिल्कुल छोटा सा है और उसको उसको पढ़ने से उसको समझने से क्या चीज होगी कि चैप्टर किस एक चीज पर बेस्ड है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो इसलिए इंट्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है अब हम बात करें सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन की so हम बेसिकली ये समझेंगे कि सोशियोलॉजी कैसे ग्लोबलाइजेशन को समझता है मैंने आपसे क्या कहा कि ग्लोबलाइजेशन यानी ये जो पूरा ग्लोब है ये जो पूरा वर्ल्ड है इसमें जितनी भी कंट्रीज हैं जितनी भी वो सभी क्या होंगी वो सभी एक दूसरे से लिंकअप हो जाएंगी एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगी यानी कि इंटर एंड इंटर इंटरलिंकिंग और इंटर कनेक्टिंग और इनके बीच में क्या बिल्डअप हो रही है रिलेशनशिप्स और ये सब कुछ कैसे हो रहा है ये सब कुछ हो रहा है मतलब कनेक्टिविटी या लिंकेज जो है कि वो किन चीजों के बीच में हो रहा है सो so मार्केट हो या चाहे होल इकोनोमी हो पूरी की पूरी सोसाइटी हो कल्चर हो या पॉलिटिकली हर एक तरह से जो है कंट्रीज एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो रही हैं ठीक है ये एक चीज आपको समझ में अब बेसिकली हम सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस किस एक चीज पर है हमारा फोकस है इस सोसाइटी या सोशोलॉजिकल पर तो अब ये सोशियोलॉजी या ये सोसाइटी कैसे ग्लोबलाइजेशन को समझती है उस एक चीज को यहां डिस्कस करेंगे सो यू विल रिकॉल आर अर्ली डिस्कशन ऑन द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ऑफ द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आपको याद हो अगर तो जब हमने एलेवंथ सोशोलॉजी में आपका चैप्टर नंबर वन पढ़ा था दैट इज़ इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी जो आपकी बुक थी उसका जो चैप्टर नंबर वन था सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी जिसके अंदर हमने सोशियोलॉजी का मीनिंग वगैरह भी समझा था और साथ ही साथ में स्कोप जो है वो सोशलॉजी का कितना है और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है इस एक चीज को हमने डिटेल में डिस्कस किया था अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है याद नहीं है तो कोई बुरी बात भी नहीं है यहां पर सारी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी उसको अभी हम वापस से डिस्कस करेंगे तो जब हमने स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी और डिफरेंट डिफरेंट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में देखा था तो हमने ये देखा कि सोशियोलॉजी कितने सारे एरिया को जो है स्टडी करती है उसका रेंज ऑफ फिनोमिना कितना है क्या उसका रेंज जो है ऑफ फिनोमिना वो कितना है इस एक चीज को हमने स्टडी किया साथ ही साथ में सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव यानी सोशोलॉजी का एक परस्पेक्टिव क्या है चीज़ों को लेके वो सारी चीज़ों को हमने डिटेल में समझा था थोड़ा सा पढ़ो वो चीजें समझ में आ जाओ और आपको याद होगा मैंने ये चीज आपको पहले ही बताई थी कि क्लास इलेवंथ में जो भी आप पढ़ते हो वो आपका बेस होता है वो आपका बेस क्लियर करता है और यही बेस पर आपकी पूरी ट्वेल्थ सोशियोलॉजी रेस्ट करती है क्लियर है याद आया तो इसीलिए जो है क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए अच्छा देखो द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजिकल स्टडी इज एक्सट्रीमली वाइड इट कैन फोकस इट्स एनालिसिस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल कस्टमर बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बिटवीन टू फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स स्कोप जो है सोशोलॉजी का या जो सोशियोलॉजिकल इसमें इंटरक्शन को स्टडी करते हैं जैसे मैंने आपसे क्या कहा था कि सोसाइटी कैसे बनती है हमने क्लास में ये चीज पढ़ी थी कि जो भी ह्यूमन होते हैं सबसे पहले तो इंडिविजुअल्स होते हैं ठीक है और मतलब ह्यूमन से इंडिविजुअल्स होते हैं सो बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पर जब हम बात करते हैं तो जब ये सारे इंडिविजुअल ह्यूमंस एक साथ में आ जाते हैं ठीक है ठीके? जितने भी ह्यूमंस हैं जब वो सभी क्या कर रहे हैं एक साथ में आ रहे हैं मतलब कि एक कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हैं ठीक है सभी एक साथ में आपस में एक दूसरे के साथ में जो है कनेक्ट कर रहे, हैं एक, कर रहे हैं, ये जितने भी हैं एक साथ में रहना स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ में प्लस जब एक दूसरे के साथ में इंट्रैक्ट करते हैं रिलेशनशिप्स बिल्डअप करते हैं और जब ये इंट्रैक्शन के थ्रू रिलेशनशिप्स बनती हैं और साथ ही साथ में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिस होते हैं तब सोसाइटी फॉर्म होती है और इस एक सोसाइटी को हम सोशोलॉजी में स्टडी करते हैं यही एक चीज हमने समझी थी कि ह्यूमंस हैं एग्जिस्ट करते हैं इंडिविजुअल लेवल पर और जब ये सभी जो है आपस में साथ में आते हैं तो एक ग्रुप फॉर्म होता है जब इनके बीच में इंट्रैक्शन होते हैं रिलेशनशिप बिल्डअप होती है तब एक सोसाइटी फॉर्म होती है ये सबसे बेसिक हमने सोसाइटी क्या होती है इसको समझा था क्लास इलेवेंथ में तो जब ये सोसाइटी फॉर्म होती है इसमें ह्यूमन्स के बीच में इंट्रैक्शन होता है कैसा इंट्रैक्शन जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल इंडिविजुअल के बीच में इंट्रेक्शन है तो कोई शॉपकीपर और कस्टमर के बीच में इंट्रेक्शन हो रहा है इंडिविजुअल लेवल पर हम बात कर रहे हैं ठीक है जैसे फॉर एक्जाम्पल जैसे आप कोई चॉकलेट खरीदने के लिए जो है किसी स्टोर पर गए हुए हो और वहां पर जो भी शॉपकीपर है उनके साथ में आपकी थोड़ी बहुत बात हुई बात इन देंस कि आपने कहा मुझे ये सामान चाहिए उन्होंने आपको सामान दे दिया आपने उनको पैसे दे दिए उन्होंने जो भी आपको अगर रिटर्न करना है कुछ पैसे तो रिटर्न कर दिए जो भी आपने अगर पूरा अमाउंट दिया था तो उन्होंने उस एक चीज़ को रख लिया ओके थैंक यू और आप वापस आ जाते हैं अपने घर शॉपकीपर अपना काम करने लग जाता है तो वो एक इंडिविजुअल लेवल पर इंट्रैक्शन साथ ही साथ में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में इंट्रैक्शन आपका और हमारा इंट्रेक्शन हो रहा है हम एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते हैं ठीक है हम सभी एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते बट हम जानते हैं कि हाँ आप मतलब आप जानते हो कि हाँ ये हमारी टीचर है ये हमको सोशियलॉजी पढ़ाती है मैं जानती हूँ ये मेरे स्टूडेंट्स हैं ये मेरे साथ में अच्छे से पढ़ते हैं मुझे इनको बहुत अच्छा पढ़ाना है मुझे इनको इनके करियर के लिए गाइड करना है मुझे इनको जो है हर एक चीज में मतलब हंड्रेड इनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करवानी हर एक चीज मुझे पता है मैं अपना वर्क कर वर् करूँ आप अपना वर्क कर रहे हो और हमारे बीच में एक इंट्रक्शन हो रहा है फ्रेंड्स के बीच में आप और आपका फ्रेंड है आपके बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है आपका इंटरेक्शन आपकी अपनी फैमिली के साथ में होता है आपके अपने जो रिलेशनशिप्स होते हैं मतलब आपके जो अपने वो होते हैं रिश्तेदार वगैरह होते हैं किन जो होते हैं साथ ही साथ में आपके अपने कजन्स के साथ में रिलेशनशिप है तो ये जो सारे इंट्रैक्शन है ये जो हर एक तरीके का इंट्रैक्शन है और भी ढेर सारे होते हैं मतलब बट इन इंट्रैक्शन को हम सोशोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं इस एक इंट्रैक्शन को हम एनालाइज़ करते हैं और यही सोशियोलॉजी का जो है फोकस होता है इट कैन लाइक फोकस ऑन नेशनल इशूज पर हमने बात करी इंटरक्शन की कि इंट्रैक्शन को स्टडी किया जाता है सोशोलॉजी के अंदर सेकेंड हम बात करें नेशनल इश्यूज की तो ढेर सारे जो नेशनल इश्यूज होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपको दिए गए हैं लाइक like अनएम्प्लॉयमेंट कास्ट कंफ्लिक्ट इफेक्ट ऑफ स्टेट पॉलिसीज ऑन फॉरेस्ट राइट्स ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन और रूरल अब जैसे फॉर एग्जांपल हम जो सोसाइटी के अंदर हम इंटरेक्ट तो करते ही है इंटरेक्शन के साथ साथ में धीरे धीरे हमारी सोसाइटी का एक पूरा ऑर्डर जो है वो एस्टैब्लिश हो गया या सोसाइटी के अपने नॉर्म्स वैल्यूज बिलीव जो है वो सारी चीजें एस्टैब्लिश हो गई उसे भी हम स्टडी करते हैं ठीक है सोशोलॉजी के अंदर साथ ही साथ में अब जैसे नॉर्म्स वैल्यूज बिलीव जो है एस्टैब्लिश हुई तो धीरे धीरे जो है कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ पर एस्टैब्लिश हो गया टाइम के साथ में उस कास्ट सिस्टम के अंदर ढेर सारे कन्फ्लिक्ट वगैरह होने लगे तो कास्ट कन्फ्लिक्ट को स्टडी किया जाता है और कास्ट से रिलेटेड जो पूरा सिस्टम है वो एक पूरा नेशनल इशू है मतलब पूरी नेशन के लिए मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना चिंता की बात है ठीक है फिर उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे लोग हैं उनके पास में काम करने के लिए नहीं है मतलब उनके पास में किसी तरह का कोई वर्क नहीं है वर्क नहीं करेंगे तो उनके पास में पैसा नहीं होगा पैसा नहीं होगा तो कैसे अपनी लाइफ को सस्टेन करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट है ट्राइबल पॉपुलेशन है तो ट्राइबल पीपल का जो फॉरेस्ट राइट्स वगैरह है स्टेट की पॉलिसीज उसको अफेक्ट कर रही है है या जो भी हमारी रूरल सोसाइटी वो हो चुकी है बहुत जो है बहुत ज्यादा जो इनडेप में डूब चुकी है तो ये जो सारे नेशनल इश्यूज होते हैं और ये सब आपने पढ़ा हुआ है ठीक है आपने ट्राइबल्स के बारे में पढ़ा है आपने कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा है आपने अनएंप्लॉयमेंट भी पढ़ा है जब हमने इकोनॉमिक्स के बारे में सारी चीजें डिस्कस करी थी तो हमने देखा था कि हर एक पर्सन जॉब के लिए सर्च करता है क्योंकि जब उसके पास में काम होगा जब वो जॉब करेगा तब

और एग्जामिन ग्लोबल सोशल प्रोसेसेस, सच एज द इम्पैक्ट ऑफ न्यू फ्लेक्सिबल लेबर रेगुलेशंस ऑन रेगुल वर्किंग क्लास और दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन यंग, और द एंट्री ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज ऑन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ कंट्री। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या व्हाट्सएप है ये जो सारी कंट्री मतलब ये जो सारी कंपनीज है ये कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर तो नहीं बनी है मतलब किसी और ने बाहर दूसरी कंट्री के जो भी आ, इंजीनियर्स वग़ैरह हैं या जो भी लोग हैं उन्होंने उसको डेवलप किया जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि फेसबुक है तो मार्क अगरबर्ग ने उसको जो है ओ, मतलब उसका इन्वेंशन जो है उन्होंने किया आज सभी जितने भी यंग पॉपुलेशन है वो सभी फेसबुक यूज करती है इवन यंग छोड़ो ओल्ड पॉपुलेशन भी जो है फेसबुक यूज करती है उसके अपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही साइड्स हैं तो किस तरह से वो हमारे लोगों को अफेक्ट करती है कैसे उनके माइंड को जो है अफेक्ट करती है कैसे हमारी डे टू डे लाइफ में जैसे हमने देखा कि बहुत बार फेसबुक वगैरह के थ्रू जैसे आपने चैप्टर नंबर सिक्स पढ़ा था द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी बुक वन इंडियन सोसाइटी के अंदर हमने कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ा ठीक है अब कम्युनलिज्म जिसके थ्रू जो है ज़्यादा वायलेंस और जो है हेट वगैरह स्प्रेड किया जाता है लोग जो फेसबुक ट्विटर इन सारी के जो है ग्रुप्स टेक्टिक एस्टाब्लिश कर लेते हैं एक पूरा अपना जो है प्लान वगैरह सब कुछ बना लेते हैं फिर उसके बाद में सोसाइटी में किसी तरह का वायलेंस हेट ये सारी चीजें स्प्रेड करते हैं दंगा फसाद करते हैं कुछ लोग इसको पॉजिटिव सेंस में भी लेते हैं जैसे उन्हें सोसाइटी में किसी तरह का कोई चेंज लाना है कोई जो है मूवमेंट चलाना है जैसे मान लो जो है, हो चुका है, तो मूवमेंट चलाना चीजें पॉपुलेशन को भी स्टडी किया जाता है सोशोलॉजी के अंदर क्योंकि अल्टीमेटली ये सब कुछ किसे अफेक्ट कर रहा है सोसाइटी को तो जो भी ग्लोबल सोशल प्रोसेसेस हैं, उन्हें भी सोशियोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है ग्लोबल सोशल प्रोसेसेस साथ ही साथ में जैसे कोई आ, लेबर रेगुलेशन जो हैं वो आ जाते हैं वर्किंग क्लास को लेके जो भी वर्किंग क्लास है जो भी लेबर क्लास है उनको लेके नए रूल्स रेगुलेशन आ जाते हैं इंटरनेशनल लेबर एसोसिएशन जो है वो ये सारी चीज़ें लेकर आती है इसके बाद में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हमारे यहाँ पर इंडिया में मान लो जो सपोज एस्टाब्लिश हो रही हैं और वो जो है यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन वगैरह इन सारी चीज़ों को भी पढ़ा मतलब सिखाया जाता है तो एक एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा भी चेंज अगर आ रहा है तो ये सारी चीज़ों को कहाँ स्टडी किया जाता है सोशोलॉजी के अंदर सोशोलॉजी का फोकस इन चीज़ों को लेके होता है What defines the discipline of sociology is therefore not just what it studies but. हाउ इट स्टडीज आर चूज इन फील्ड और सोशोलॉजी सिर्फ इसी एक चीज से डिफाइन नहीं होता कि उसका उसका स्कोप कितना उसका रेंज ऑफ फिनिना कितना है वो कितनी चीजों को पढ़ता है क्या क्या पढ़ता है जैसे फॉर एग्जाम्पल फैमिली को पड़ता है ट्रेड यूनियंस को पढ़ता है विलेजेस को पढ़ता है रूरल सोसाइटी को पढ़ता है अर्बन सोसाइटी को, को पढ़ता है सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ में वो कैसे पढ़ता है लाइक हाउ इट स्टडीज आर चूज इन फील्ड जिस भी चीज को स्टडी कर रहा है तो किस तरह से करता है उसमें कौन कौन सी मेथड्स वगैरह को यूज किया जाता है तो बेसिकली जो हम देख रहे थे कि सोशियोलॉजी जो है वो कैसे ग्लोबलाइजेशन को समझता है तो हमने देखा कि उसका रेंज ऑफ फिनोमेना सबसे पहली तो चीज की कितना बड़ा है इंडिविजुअल लेवल से लेके ग्लोबल लेवल तक हम हर एक चीज को स्टडी करते हैं तो सोशोलॉजी में ग्लोबलाइजेशन का तो अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ये एक चीज हमको समझ में आ रही है

हाउ इज़ ही और शी कनेक्टेड टू ग्लोबल चेंजेस हाउ हेज इट अफेक्टेड द च एम्प्लॉयमेंट फॉर द मिडिल क्लास तो ये एक चीज़ कहना कि सोशोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी या कल्चर को स्टडी करते हैं वो गलत होगा क्योंकि सोसाइटी में या सोशोलॉजी जब ग्लोबलाइजेशन के साथ में स्टडी करता है तो वो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन को यूज़ करता है अब याद करो क्लास इलेवंथ में ये सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन भी पढ़ चुके हो कि कैसे जो है इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में एक कनेक्शन जो है बिल्डअप होता है माइक्रो मैक्रो लेवल पर एक छोटे से लेवल पर बड़े से बड़े लेवल पर लोकल लेवल पर ग्लोबल लेवल पर हर एक चीज को स्टडी किया जाता है जैसे कैसे क्या क्या उसमें चीजें हम यूज करते हैं जैसे मैंने आपसे कहा कि हर एक चीज को स्टडी करता है तो मतलब इकोनॉमी भी आ जाएगी इसके अंदर इकोनॉमी के साथ साथ पॉलिटी भी आ जाएगी इसके अंदर यानी पॉलिटिकल साइंस भी आ जाएगा इसके अंदर जियोग्राफी भी आ जाएगी इसके अंदर इन्वामेंट भी आ जाएगा इसके अंदर हर एक चीज़ को डिटेल में स्टडी किया जाता है ये एक चीज़ हम समझ चुके हैं क्लास एलवंथ में जब हमने टाइप्स ऑफ सोशल चेंजेस पढ़े तो हमने देखा कि जब हम सोशल चेंजेस को सोसाइटी में पढ़ते हैं तो हम हर एक तरह के चेंज को पढ़ते हैं हम टेक्नोलॉजी को भी पढ़ते हैं यानी हम साइंस एंड को भी पढ़ते हैं हम इन्वायमेंट को भी पढ़ते हैं हम नेचुरल मतलब इन्वायमेंट के अंदर ही नेचुरल डिजास्टर्स नेचुरल कैलमिटीज़ ये सब आ जाएगा हम इकोनॉमी को भी पढ़ते हैं हम साथ ही साथ में जो है पॉलिटी इकोनॉमी कल्चर हर एक चीज को डिटेल में पढ़ते हैं तो सोशोलॉजी का स्कोप रेंज ऑफ फिनोमेना बहुत ही ज्यादा वाइड है जैसे यहां कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि क्या क्या पढ़ा जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई रिमोट विलेज है रिमोट विलेज का मतलब क्या है जिसकी बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं है आ, बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी स्टेट या नेशन के साथ में नहीं है बिल्कुल अकेला सुनसान सा, सुनसान इन द सेंस की मतलब वहां पर बहुत ज्यादा फैसिलिटीज वगैरह नहीं पहुंच पाई है अभी तक तो वहां एक पीजेंट

कि जब वहाँ पर वॉर होगा तो वहाँ की सोसाइटी तो पूरी तरह से एक्सप्लोइट होगी ही और साथ ही साथ में वहाँ के जो पूरे रिसोर्सेज है वहाँ की जो इकोनॉमी है वो भी पूरी तरह से अफेक्ट होगी और वहां से हम जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं हमारा जो भी ट्रेड वहाँ से चलता है अल्टीमेटली वो अफेक्ट होगा हमारे यहाँ पर जो ऑयल इम्पोर्ट हम करते हैं मिडिल ईस्ट से वो ऑयल की शॉर्टेज हो जाएगी डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे प्राइजेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और जब प्राइजेज हमारी इकोनॉमी में जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसको सफर करना पड़ेगा जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनको तो हम हर एक आस्पेक्ट को डिटेल में स्टडी करते हैं हाउ इज इट इफेक्टेड द चांसेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द मिडिल क्लास मिडिल क्लास के लिए एम्प्लॉयमेंट के चांसेस कितने ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं जैसे हमने देखा कि कोई भी चीज होती है तो सबसे ज्यादा उससे अफेक्ट अगर कोई होता है तो वो कौन होता है मिडिल क्लास अफेक्ट होती है सबसे ज्यादा अब एम्प्लॉयमेंट को लेकर मिडिल क्लास के ऊपर क्या सारी चीजों का भार आ रहा है या एम्प्लॉयमेंट किस तरह से मिडिल क्लास को अफेक्ट कर रहा है हाउ इज इट अफेक्टेड द पॉसिबिलिटीज ऑफ बिग इंडियन कॉरपोरेशमिंग ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन कैसे ग्लोबलाइजेशन के थ्रू या जैसे जैसे भी कनेक्टिविटी ये सारी चीजें बढ़ रही हैं तो ये सब कुछ कैसे जो है Uh, हमारी इंडियन कॉरपोरेशन को ट्रांसनेशनल ट्रांसनेशनलेशन बना रहा है जैसे हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या होता है कि फॉरेन कंपनीज जो होती हैं वो इंडिया में भी हो सकती फ, आपका ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन इन सारी चीज़ों के थ्रू में हमने ये एक चीज पढ़ी और इंडिया की कंपनीज फॉरन में जाके सेटअप हो सकती हैं तो यहां से क्या होगा आप अपनी ट्रेड वगैरह को और ज्यादा इंक्रीज करते हो आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है और ज्यादा करते हो ताकि आप और ज्यादा फैसिलिटीज को दे पाओ जो भी सर्विसेज जिस भी गुड्स को आप प्रोड्यूस करें जो भी आप कर रहे हो जिस भी चीज की आपकी

इन जनरल रिटेलर से हम कंज्यूमर खरीदते हैं आपको कोई सामान लेना है जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सपोज आपको कैडबरी की डेरी मिल खरीदनी है तो क्या आप कैडबरी की फैक्ट्री पे जाओगे खरीदने के लिए ऑब्वियसली नहीं जाओगे आप कहा जाओगे आपके आसपास में जो शॉप होगी उसके पास में जाओगे उसके पास में है तो खरीद के ले आओगे उससे उस पर्सन ने किससे किस ली वो मिल का पूरा सामान होलसेलर से लिया या जो भी डीलर था उससे लिया डीलर कहां से लेके आया डीलर फैक्ट्री से उठा के लेके आया फैक्ट्री वाले ने मतलब जो भी वहां पर और भी जैसे डीलर वगैरह होते हैं बीच में जो सारे मिडिल मैन है जो सारी परचेसिंग वगैरह चलती रहती है अब जैसे सपोज ये जो पूरा रिटेल

और उसके बाद में ढेर सारे जो है आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस वगैरह मिलते रहेंगे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जो है स्टोर्स हो गए हैं जहां पर आपको ऑल इन वन स्टोर्स होने लगे हैं जहां पर आपको सब चीजें एक ही जगह पर मिल जाएंगी तो ये सारी चीजें क्यों होती है इतने तो ज्यादा शॉपिंग मॉल्स क्यों ओपन हो रहे हैं हाउ हेज इट चेंज द वे यंग पीपल स्पेंड दिजर टाइम आज हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है लाइक फॉर एग्जाम्पल पहले के पहले के जो बच्चे रहेंगे जी स्पेशली जब हम भी बहुत ज़्यादा छोटे थे तो हमने स्कूल तक जो है फ़ोन हमारे हाथ में था ही नहीं कि फ़ोन जो है हम यूज़ करें उसके बाद में जो है हमारे हम फ्रेंड्स से बहुत सारी बातें करें हम जो है यूट्यूब से पढ़ाई कर सके आज वो सारी फैसिलिटीज़ आपके पास में हैं आज, आज आप उन फैसिलिटीज़ का उन सारी चीज़ों का एडवांटेजेस ले सकते हो तो ये जो जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस हो रहे हैं आज के जो यंग पीपल हैं वो किस तरह से अपने लेजर टाइम को इन्वेस्ट करते हैं या किस तरह से स्पेंड करते हैं ये सारी चीजों पर अफेक्ट कहां से होता है ये सब कुछ अफेक्ट होता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से एंड देर आर जस्ट फ्यू एग्जांपल ऑफ द वाइड रेंजिंग एंड डिफरेंट ऑफ़ चेंजेस दैट ग्लोबलाइजेशन इज ब्रिंगिंग अबाउट तो ये तो बहुत ही छोटे से एक परसेंट चेंजेस हमने देखे कि ग्लोबलाइजेशन से किस तरह के चेंजेस जो है हमको सोसाइटी में देखने को मिलते हैं इसके अलावा और भी ढेर सारे सोशल चेंजेस हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो बेसिकली अभी तक जो आपको समझाना था वो ये था कि सबसे पहले तो सोशोलॉजी में हम क्या सारी चीजें पढ़ते हैं तो आपका एक जो पूरा कनेक्शन है वो मतलब जो आपने पूरा कुछ पहले पढ़ा था वो सब कुछ रिकॉल हो जाएगा आप आगे जो भी चीजें पढ़ोगे उससे कनेक्ट कर पाओगे दूसरी तरफ हमने देखा कि सोशलॉजी का स्कोप कितना वाइड होता है तो वो एक चीज समझ में आ गई सोशलॉजी और ग्लोबलाइजेशन का कैसे एक रिलेशनशिप है वो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा और साथ ही साथ में ग्लोबलाइजेशन किस तरह के सोशल चेंजेस जो है वो लेकर आ रहा है और ये सब कुछ सोशियोलॉजी में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो आपको एक क्लियरिटी मिल गई होगी ठीक है अब उसके बाद में जो भी सारे पॉइंट्स हैं उसे भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सो यू विल फाइंड मेनी मोर इंस्टेंसेस वेयर बाय ग्लोबल डेवलपमेंट्स आर अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपल एंड देयर बाय अफेक्टिंग द वे सोशियोलॉजी हैज टू स्टडी द सोसाइटी तो आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे कि कैसे ग्लोबल डेवलपमेंट्स या ग्लोबलाइजेशन के थ्रू लोगों की लाइफ जो है वो अफेक्ट हो रही है चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर और इसके थ्रू सोसाइटी चेंज हो रही है और इससे स्टडी करना के काम किसका है सोशलॉजी का तो सोशलॉजी में सोसाइटी को स्टडी किया जाता है और सोसाइटी में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन सो विद द ओपनिंग अप ऑफ द मार्केट एंड रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस टू द इम्पोर्ट ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स वी हैव मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड इन आर नेबरहुड शॉप्स अब जैसे कि कि हमने ये सारी चीजें पढ़ी कि लिब्राग 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 और में में कब किया जाता है 1991 में जब हम हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करते हैं ठीक है कौन करता है मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट हम हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करते हैं हम लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को लेकर आते हैं वट इज दिस एल पी जी ग्लोबलाइजेशन यू नो अभी आपको एक्सप्लेन किया पूरा इंटरलिंकिंग इंटर कनेक्शन ये सब कुछ इंटर लिंक में यहाँ पर लिख देती हूँ जैसे आपको ग्लोबलाइजेशन समझ में आएगा व्हाट इज योर प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन जहां पर हम जो भी सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस वगैरह होते हैं और या फिर और भी ढेर सारे जितने भी सारा इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी कुछ होना है वो प्राइवेट पीपल को भी सेल आउट करते हैं या प्राइवेट पर्सन भी जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करके रख सकते हैं या एक तरीके के इंडिया में किस तरह का सिस्टम है मिक्सड इकॉनॉमी है इंडिया में इंडिया में क्या है मिक्सड इकॉनॉमी है यानी कि प्राइवेट प्लस पब्लिक ये दोनों साथ में मिलके जो है काम करेंगे प्राइवेट पर्सन भी होंगे पब्लिक पर्सन भी होंगे बट धीरे धीरे टाइम के साथ में क्या मतलब हो क्या रहा था बेसिकली कि इंडिया के बहुत सारे जो मेजर मतलब रिसोर्सेज भी कहे या मेजर जो इंडस्ट्रीज वग़ैरह थी वो गवर्नमेंट के हाथों में थी और गवर्नमेंट हर एक तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी अब जैसे पोज की पूरा भार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हम हाथों में दे दें तो गवर्नमेंट हर एक तरफ जो है मतलब ध्यान नहीं दे पाएगी उसको और ज़्यादा लोग चाहिए और ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए बट उसके टाइम पर उतनी ज़्यादा स्थिति थी नहीं और इमरजेंसी वगैरह भी लग चुकी थी जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ये सारी चीजें तो बहुत ज्यादा कंडीशन जो है खराब हो चुकी थी फिर उसके बाद में धीरे धीरे हमको यह भी समझ में आया कि अगर हम प्राइवेट पर्सन को भी चीजें ओन करने देंगे अगर वो भी हमारे यहां पर बिजनेस इन्वेस्टमेंट ये सारी चीजें करते रहेंगे तो हमारी इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो ही करने वाली है तो इस प्राइवेटाइजेशन में हमने बेसिकली क्या किया था कि प्राइवेट पर्सनस को भी जो है मतलब उसके साथ में इंडस्ट्रीज ओन करना लाइसेंसिंग वगैरह हमने हटा दी थी इंडस्ट्रीज को आप भी ओन कर सकते हो इंडस्ट्रीज को आप रन कर सकते हो फैक्ट्रीज रन कर सकते हो आप एंटरप्राइजेस खोल सकते हो आप बिजनेस कर सकते हो ये सारी चीजों के लिए जो है परमिशन एक तरह से मिल चुकी थी सो दैट वॉज योर प्राइवेटाइजेशन क्लियर है लिबरलाइज लिबरलाइजेशन मैंने आपसे क्या कहा कि जहां पर लिबरलाइजेशन हमने करना स्टार्ट किया तो हमने थोड़ा सा एक तरह से वो बोलते हैं ना कि हमने थोड़ा सा हमारी इकोनॉमी को ओपन कर दिया थोड़ा सा क्या ये एलपीजी के थ्रू हमने हमारी इकोनॉमी को पूरा ही ओपन कर दिया था ठीक है हमने जो है पहले हमारी इकॉनमी क्लोज इकोनॉमी हुआ करती थी पहले हमारे यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स नहीं मिलते थे जो भी good, पहले तो जितना प्रोडक्शन होता था दैट्स ओके okay. इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें जो हमारे यहाँ पर नहीं मिलती हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फॉरेन में मिलते हैं बट इंडिया में नहीं मिलते तो हमारी ये पॉलिसी थी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की आप इम्पोर्ट नहीं करोगे बल्कि उस एक चीज़ को आप इंडिया में ही प्रोड्यूस करो आप इंडिया से ही रिसोर्सेज वगैरह या जो भी चीज़ें रॉ मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है उसको यूज़ करो और उसके बाद में प्रोडक्ट्स को बनाओ लेकिन हमने जब एल अडॉप्ट किया तो ये इंपोर्ट सब्सिट्यूशन की जो पॉलिसी थी इसको हमने खत्म कर दिया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की जो पॉलिसी थी उसको हमने खत्म कर दिया और हमने हमारी पूरी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया कि सभी जो है वो इजिली ट्रेड कर सकते हैं सभी जो है फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं ठीक है सभी जो है फ्री ट्रेड कर सकते हैं लेजेस फेयर जो हमने पढ़ा हुआ है दैट इज लेजेस फेयर है। और ट्रेड करने में का सिर्फ 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 और सिर्फ और आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो बहुत ज्यादा टैक्सेस ड्यूटीज आपके ऊपर नहीं लगेंगी तो इससे क्या होगा ट्रेड भी बूम होगा और साथ ही साथ में इकोनॉमी भी ग्रो करेगी तो इस एक मतलब मोटिव के साथ में हमने एलपीजी को एंड एल को अडोप्ट करने के बाद में मतलब एल की पॉलिसी को जो है लेकर आने के बाद में हमारे मार्केट को हमने पूरी तरह से ओपन कर दिया और ढेर सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे इम्पोर्ट्स को लेकर उसको भी हमने ख़त्म कर दिया तो इसकी वजह से हुआ क्या कि डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ दी वर्ल्ड से मतलब कि इंडिया के बाहर और भी जितनी भी ढेर सारी कंट्रीज हैं हर एक कोने से पूरे वर्ल्ड के जो भी प्रोडक्ट्स जो भी हमको चाहिए थे वो सब इंडिया में भी अवेलेबल होने लगे इंडिया के प्रोडक्ट्स बाहर जाने लगे और सिर्फ प्रोडक्ट्स की ही बात नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज

गुड्स या सर्विसेज़ को अपने यहाँ पर बुलवा रहे हैं इन शॉर्ट परचेसिंग कर रहे हैं और एक्सपोर्ट क्या होता है जहाँ हम सेलिंग करते हैं हम हमारे प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्रीज़ को जो है सेल आउट करते हैं दैट इज़ योर एक्सपोर्ट वहाँ भिजवाते हैं इम्पोर्ट जहाँ पर हम बुलवा रहे हैं तो इम्पोर्ट पर क्या होता था क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगते थे क्वानिटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर गुड्स को जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी पर हम लिमिटेशन लगा देते हैं या कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स आप इंपोर्ट कर सकते हो उसको लिमिट कर दिया जाता है जैसे फॉर एग्जांपल पहले आप टेन गुड्स को जो है इंपोर्ट करते थे तो अब आप, आप सिर्फ सेवन ही कर सकते हो तो वहां पर क्या कोटा या लिमिट कर देते हैं दैट इज योर क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस तो ये 2001 में हर एक तरीके के क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया गया था कि आप जितना चाहे उतनी क्वांटिटी को जो है इंपोर्ट कर सकते हो सो इट इज नो सरप्राइज नाउ टू फाइंड अ चाइनीसियर एंड ऑस्ट्रेलियन एप्पल वाइंग फॉर अटेंशन इन द लोकल फ्रूट स्टॉल तो आज के टाइम आप भी देखते हो ना कि हमने जो है ये वाला जो आ, मतलब एप्पल है या ये वाला जो एप्पल बियर है ये हमने चाइना से मंगवाया है या ये वाली चीज जो है हमने अमेरिका से लेके आए हैं या फिर आप बहुत बार शॉप्स पर जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि अरे ये इंपोर्टेड सामान है तो ये जो सारी चीजें होती हैं कि मतलब आज आप हर एक कंट्री के से जो है प्रोडक्ट्स को इंडिया में भी देख सकते हो मतलब देख सकते हो इन द सेंस कि आप उसको भी परचेस कर सकते हो सेल आउट कर रहे हैं लोगों ने भी सो नेबरहुड स्टोर हैज ऑस्ट्रेलियन ऑरेंज जूस एंड रेडी टू फ्राई चिप्स इन फ्रोजन पैकेट्स आज के टाइम में आपने देखा है कि फ्रोजन गुड्स बहुत ज्यादा चलते हैं मतलब आप एक देखो कि पीज़ हो गए इसके बाद में जो है आपके ये जो होते हैं स्वीट कॉर्न वगैरह जो होते हैं ये सभी फ्रोज़न पैकेट्स में आने लगे और इतना ही नहीं आज ऐस ऐसे भी जो है रेडीमेड आइटम्स आते हैं कि मतलब आप उसको जो है शॉपिंग मॉल वगैरह से परचेस करो दैट इज़ जस्ट अ फ्रोजन पैकेट और उसके अंदर आपको चिप्स भी मिलेंगी <coughs> सॉरी उसके अंदर आपको चिप्स भी मिलेंगी उसके अंदर आपको जो है पोटेटो बाइट्स भी मिलेंगे उसके अंदर आपको चीज बॉल्स भी मिलेंगे उसके अंदर आपको हर एक चीज मिलेगी एंड इवन इवन मतलब अभी के टाइम में इतना तक हो चुका है कि आप लोग शॉप्स पर वो खाने जाते हो ना फुल्की खाने जाते हो ठीक है मतलब आपकी लैंग्वेज में आप उसे जो भी नाम बोलते हो वो तक फ्रोजन पैकेट्स में आने लगे हैं तो ये जो सारी चीजें हैं मतलब ये जो सारे इन्वेंशन है ये पूरे वर्ल्ड में सब अलग अलग जगह पर हो रहे हैं ये सारी चीज़ों के बारे में लोग जो है मतलब ऐसा करते रहते हैं ये सारी चीजें और ये सब गुड्स आज आपको आपके मार्केट में भी अवेलेबल मिलते हैं मतलब हो सकता है ये फ्रोजन पैकेट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये फॉरेन प्रोड्यूस्ड हो लेकिन ये सारी चीजें आज हमको हमारे मार्केट्स में भी अवेलेबल है तो मतलब ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट कि इन्वेंशन कहीं भी हो प्रोडक्ट कहीं का भी हो कहाँ प्रोड्यूस हुआ है डजेंट मैटर वो मिलेगा आपको हर एक जगह पर सो दैट्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड वट वी ईट एंड ड्रिंक एट होम विदमी एंड फ्रेंड्स स्लोली चेंजेस और धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन के साथ में हम कैसा खाना खाते हैं हम क्या चीज़ों को मतलब पीते हैं ये सारी चीज़ें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में धीरे धीरे चेंज होती जा रही है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ही चल रहे हैं सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि जब समर्स आ जाते हैं तो घर में जो है कैरी का पना बनता है ठीक है देखा है ये पना बनाने का जो कॉन्सेप्ट है ये किसका है दादी नानियों का है हमारा सालों पुराना है चला आ रहा है मतलब गर्मियां आती थी पहले के समय में तो नींबू का पानी हो गया साथ ही साथ में जो है नमक और शक्कर को पानी में घोल के पिया जाता था ये सारी चीजें आपके एनर्जी लेवल को बनाए रखती थी कैरी का पना बनाया जाता था धीरे धीरे टाइम के साथ में कोल्ड ड्रिंक्स आ गए अब ज्यादा गर्मी लगती तुरंत शॉप पर जाते हैं एक माजा की बॉटल लेते हैं कोक लेते हैं और फटाक से उसको पी लेते हैं क्यों ये चीजें आपको थोड़ी देर के लिए ठंडक जो है अंदर देती है मतलब थोड़ा हेल्थ के पर्सन

और इस तरह के जो भी पॉलिसी में चेंजेस होते हैं मतलब आपके खाने पीने की हैबिट्स में जो भी चेंजेस होते हैं इससे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह से अफेक्ट होने लग जाते हैं उन्हें भी उसी तरह के प्रोडक्ट्स को शॉप में रखना है जिसकी डिमांड है सपोज डिमांड है फॉर एग्जाम्पल माजा की और अगर हम सिर्फ और सिर्फ कोक रख के बैठे हैं तो शायद हमारा प्रोडक्ट परचेस मतलब कोई करने नहीं आएगा वो सेल आउट नहीं होगा तो जो डिमांड होगी हम उसे ही रखेंगे अपने शॉप में तो इस तरह से प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में भी मतलब उनके में भी जो भी चेंजेस होते हैं वो भी आने लग जाते हैं एंड वॉट मे मीन ग्रेटर चॉइजेज फॉर द अर्बन एफ कंज्यूमर मे मीन अ क्राइजेस ऑफ लाइवलीहुड फॉर अ फार्मर और ये ग्लोबलाइजेशन के साथ में इन शॉर्ट यहां इस लाइन में ये बताया जा रहा है कि रूरल अर्बन डिवाइड भी हमको और ज्यादा देखने को मिलता है कि कुछ चीजें जो कि एक अर्बन या एफ्लुएंट कंज्यूमर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी वही कहीं ना कहीं वो एक फार्मर के लिए क्राइसिस बन जाती है ढेर सारे एग्जाम्पल इन चीजों के सो दीज चेंजेस आर पर्सनल बिकॉज दे अफेक्ट इंडिविजुअल्स लाइफ एंड लाइफ स्टाइल दे आर ऑब्वियसलीसो लिंक टू पब्लिक पॉलिसीज अडॉप्टेड द गवर्नमेंट एंड इट्स एग्रीमेंट विद्लू डब्लू टी ओ और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सो ये जो सारे चेंजेस हमको ग्लोबलाइजेशन के देखने को मिल रहे हैं ये होते पर्सनल लेवल पर हैं मतलब इंडिविजुअल लेवल पर आप उन चीजों से पर्सनली अफेक्ट होते हो लेकिन सोसाइटी में कुछ भी पर्सनल टाइप जैसा नहीं होता है क्योंकि आपके पर्सनल एक्सपीरियंसिस ही, ही धी, धीरे धीरे जो है करके पूरी सोसाइटी का पार्ट बन जाते हैं एज अ होल जो है मतलब जनरल एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं और इसीलिए ये इंडिविजुअल की लाइफ जब अफेक्ट होती है ग्लोबलाइजेशन सो अल्टीमेटली सोसाइटी अफेक्ट होती है क्योंकि जब वो हर एक इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस uh, को जब हम एक साथ में ले आते हैं तो so वो एक सोसाइटी का ही पार्ट बन जाता है इसके साथ साथ में पब्लिक पॉलिसीज में भी चेंजेस आते हैं जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो गवर्नमेंट और उसका जो एग्रीमेंट है उसमें अगर किसी तरह के कोई चेंजेस आ रहे हैं सो so वो भी चेंज होता लाइक दे आर ऑब्वियसली आल्सो लिंक्ड टू पब्लिक पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स ग्रेटर अग्रीमेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लाइकवाइज माइक्रो पॉलिसी चेंजेस हैव हैव दैट ऑफ वन टेलीविजन चैनल वी लिटरली टुडे द ड्रामेटिक चेंजेस इन द मीडिया आर परहैप्स द मोस्ट विजिबल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अब इसके बाद में ग्लोबलाइजेशन की और सारी

यहाँ हम मैक्रो पॉलिसी चेंजेस की बात करें सो इंस्टेड टेलीविजन चैनल वी हैव लिटरली इसको टुडे मतलब बड़ी बड़ी पॉलिसीज में भी चेंजेस आ रहे हैं जैसे स्पेशली मीडिया जो है यहाँ पर उसमें ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमको बहुत ही मेजर चेंजेस या इंपॉर्टेंट चेंजेस ड्रामेटिक चेंजेस जो है देखने को मिले हैं सो दे आर जस्ट फ्यू रैंडम एग्जाम्पल्स बट दे मे हेल्प यू टू अप्रिशिएट द क्लोज इंट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड एपरेंटली रिमोट पॉलिसीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज मशन अर्लियर द सोशलॉजिकल इमेज तो लेके है सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन तो जो सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सोसाइटी में क्या एक इंपॉर्टेंस है तो उसके हमने ढेर सारे एग्जांपल्स देखे उसके बाद हमने और भी एग्जांपल्स को डिस्कस किया जैसे हमने जो है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो एग्जिस्ट करती हैं हमने मीडिया की बात करी और ये सारी चीज़ों में इंपॉर्टेंट सोशल चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं आपके पर्सनल चेंजेस जो हैं वो बहुत ही जल्दी आपके जो है मतलब पूरे एज अ होल इन जनरल पब्लिक इशूज बन जाते हैं आपके अपने पर्सनल इशूज बहुत जल्दी पब्लिक इशूज बन जाते हैं ये पर्सनल और पब्लिक वाला जो पूरा डिबेट है ये भी आपने क्लास एलेवं के चैप्टर नंबर वन में पढ़ा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी में सो so बेसिकली ये सारे कनेक्शन आपको बस एक चीज समझाते हैं कि से इन सारी चीजों के थ्रू पूरा वर्ल्ड सबसे पहले तो इंटर कनेक्ट हो रहा है और कैसे आपकी अपनी है और जैसा कि बोला है कि सोशलॉजिकल इमेजिनेशन के थ्रू हमने समझा कि माइक्रो और मैक्रो का जो है कनेक्शन वो कैसे होता है मतलब एक छोटी सी लोकल लेवल पर हम बात करें और साथ ही साथ में ग्लोबल लेवल पर तो वो जो पूरे एग्जाम्पल्स आपने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करें उससे आपको ये चीज समझ में आएगी कि कैसे एक छोटा सा लोकल लेवल और कैसे ग्लोबल लेवल तक हम कनेक्टिविटी करके रखते हैं जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि, कि कंज्यूमर और शॉपकीपर का एक रिलेशनशिप कैसा है टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा है ये पर्सनल लेवल पर है इसके बाद में हमने ग्लोबल इश्यूज को भी डिस्कस किया लाइक फॉर एग्जांपल हमने बात करी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यंग पॉपुलेशन के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ रहा है तो ये सारी चीजों को सोशोलॉजी में स्टडी किया जाता है विथ स्पेशल रेफरेंस टू ग्लोबलाइजेशन इन दिस ट्वेंटी सेंचुरी प्लस द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज फार रीचिंग इट अफेक्ट्स अस ऑल बट अफेक्ट अस डिफरेंटली तो ग्लोबलाइजेशन का जो इफेक्ट है वो फार रीचिंग है जैसे हमने कहा कि सोशोलॉजी का जो स्कोप है दैट इज एक्सट्रीमली वाइड ठीक है इसका जो स्कोप है दैट इज एक्सट्रीमली वाइड इन द सेम वे ग्लोबलाइजेशन जो है उसके अफेक्ट्स भी फार रीचिंग है मतलब बहुत ज्यादा हमको देखने को मिलते हैं बस एक ही चीज है कि हम सभी को ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट करता है बट डिफरेंट वे में अफेक्ट करता है मैं ग्लोबलाइजेशन से डिफरेंटली अफेक्ट रहूंगी शायद आप और डिफरेंट हो क्योंकि हम सभी की लाइफ डिफरेंट है हम सभी ह्यूमंस एक दूसरे से डिफरेंट है हम सभी साथ में रहते हैं सोसाइटी फॉर्म करते हैं बट हम सभी एक दूसरे से डिफरेंट है सभी सेम तो नहीं है हमारे अपनी अपनी प्रायोरिटीज है हमारी लाइफ अपने अपने तरीके से हम जीते हैं किसी की बहुत लाविश लाइफ स्टाइल है किसी की जो है बहुत ही मतलब वो पॉवर्टी में रह रहा है तो सभी के लाइफ के अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट मायने होते हैं और इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हम सभी को डिफरेंटली अफेक्ट करता है दस वेल फॉर सम इट मे मीन न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स द लॉस ऑफ लाइवलीहुड स्पिनर्स एंड ट्विस्टर्स ऑफ बिहार लॉस द चाइनीज़ एंड कोरियन सिल्क एंटर द मार्केट तो जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी के लिए ग्लोबलाइजेशन ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आया और किसी के लिए लॉस ऑफ लाइवलीहुड जैसे हम वुमेन सिल्क और स्पिनर्स की बात करें जो बिहार में थी मतलब बिहार में हमारे यहाँ पर ढेर सारी वुमेन हैं जो सिल्क वगैरह में वर्क करती थी और लेकिन जब चाइनीज और कोरियन सिल्क यान मतलब चाइना और कोरिया का जब सिल्क है वो हमारे यहाँ पर इंडिया मार्केट में एंटर करता है तो बिहार की जो ये वुमेन सिल्क स्पिनर्स और ट्विस्टर्स हैं इनकी जॉब्स चली जाती हैं क्योंकि वो चाइना और कोरिया का सिल्क यान जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ करता था तो बेसिकली इंडिया में चाइनीज़ प्रोडक्ट कैसे आए ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो यहाँ चाइना को ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज मिल गई सेम वे में बिहार की जो वुमेन थी उन्हें इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से मतलब बिहार की जो सिल्क स्पिनर्स और ट्विस्टर्स वुमेन थी उन्हें इसकी वजह से जो है बहुत लॉस फेस करना पड़ा क्योंकि उनकी जॉब्स चली गई उनके प्रोडक्ट्स को कोई ज़्यादा परचेस करता ही नहीं था साथ ही साथ में जैसे हमने देखा कि जब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म चल रहा होता है इंडिया में तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं मैनचेस्टर कॉम्पिटिशन में आ जाता है मतलब ब्रिटिशर्स का जो वो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है मैनचेस्टर की वो जब इंडिया में आती है तो इंडिया की जो अपनी इंडिजिनस टेक्सटाइल मतलब हैंडलूम इंडस्ट्रीज है हुआ करती थी सिल्क एंड कॉटन की वो पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाती है मतलब इंडिया में डीइंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है तो हर एक चीज के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं और सेम वे में जैसे मैंने आपसे कहा कि ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट हम सबको करता है बट डिफरेंट वे में करता है सो वीवर्स एंड कंज्यूमर्स एज इट इज चीपर एंड हैज अ शाइन तो जो चाइना का ये सिल्क मतलब था इसको जो वीवर्स और कंज्यूमर्स होते थे वो ज़्यादा प्रीफर करते थे उसके दो रीजन थे एक तो ये बहुत सस्ता पड़ता था बहुत चीप था और दूसरी तरफ इसमें शाइन बहुत ज्यादा हुआ करती थी जो इंडिया में नहीं मिलती थी इंडिया के प्रोडक्ट्स में तो सिमिलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम विद्री ऑफ लार्ज फिशिंग वेसल्स इन टू इंडियन वाटर्स इसी के साथ साथ में जब इंडियन वाटर्स में इंडियन वाटर्स पता है ना कहाँ की बात कर रहे हैं हम सो so, वो जो पूरा आपका इंडियन ओशन वाला रीजन है और मतलब जो पूरा एक कोस्टल पार्ट है इंडिया का जो पूरा पैनन्स उसके आसपास में जितने भी मतलब जितना भी वाटर इंडिया का है सो इंडियन वाटर्स में जब फिशिंग वेसल्स की एंट्री हो जाती है तो क्या होता है कि दीज वेसल्स टेक अवे द फिश दैट यूज टू बी अर्लियर कलेक्टेड बाई इंडियन फिशिंग वेसल्स द लाइवलीहुड ऑफ वुमेन फिश सॉर्टर्स ड्रायर्स विंडर्स एंड नेट पिकिंग फ्रॉम द जुलीफेरा बबल ट्रीज लॉस्ट एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द इम्पोर्ट ऑफ चीपर गम फ्रॉम सुडन तो क्या हुआ कि इंडियन वाटर्स में मतलब इंडिया के जो वाटर्स थे उसमें जब फिशिंग वेसल्स दूसरी कंट्रीज वगैरह से या दूसरे लोग भी जो हैं, आने लग जाते हैं प्राइवेट पीपल भी आने लग जाते हैं तो जो वहां से पहले फिश कलेक्ट किया करते थे मतलब जो भी फिश को सॉर्ट करते थे फिश फिश को कलेक्ट किया करते थे इंडियन फिशिंग वेसल्स उनकी कहीं ना कहीं एक तरफ से वो पीछे आ गए थे और जो बहुत सारी वुमेन जो कि इन फिश को कलेक्ट करके इनको सॉर्ट, ड्राई वेंडर करने के बाद में इनके नेट बनाती थी वो सभी की जो जॉब है वो यहां से चली गई क्योंकि दूसरे लोग कॉम्पिटिशन में आ गए सेम वे में गुजरात में वुमेन जो थी वो गम कलेक्ट किया करती थी ठीक है तो ये गम वो कहाँ से कलेक्ट करती थी बउुल ट्री से जो जुलीफेरा कहा जाता है इनका एम्प्लॉयमेंट चला गया जब सुडान से जो है इंपोर्ट होने लगी चीपर गम मतलब कि कम रेट में हमको जब जो है सुडान से गम मिलने लग गई तो ये जो गुजरात की वुमेन थी इनका जॉब चला गया तो इस तरह से जो है ग्लोबलाइजेशन के डिफरेंट हमारे ऊपर सभी के ऊपर अफेक्ट रहे एंड इन ऑलमोस्ट ऑल सिटीज ऑफ इंडिया द रैग पिकर्स लॉस्ट सम ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इम्पोर्ट ऑफ वेस्ट पेपर from developed countries. चैप्टर हाउ ट्रेडिशनल इंडिया के बहुत सारे में, में, जो होते हैं उनकी जॉब चली गई क्योंकि रैग पिकर्स तो की जरूरत नहीं थी तो इसलिए उनकी भी जॉब चलेगी और ये सारी चीजों को जब आप ट्रेडिशनल एंटरटेनर्स किस तरह से अफेक्ट होते हैं इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में सो इट इज ऑबियस दैट ग्लोबलाइजेशन इज ऑफ ग्रेट सोशल सिग्निफिकेंस एज यू सो इट इम्पेक्ट ऑन डिफरेंट of the society is very different. तो यहाँ पर ये एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि ग्लोबलाइजेशन के सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है वो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है अगर आप हर एक चीज़ को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करो तो जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर किसी की जॉब चली गई है तो उसके पास में लाइवलीहुड नहीं है वो अर्न नहीं कर पा रहा उसके पास में इनकम नहीं है इन शॉर्ट वो अनएम्प्लॉयड है तो ये तो इकोनमी मतलब ये किसका सोचना है इस तो गवर्नमेंट का काम है कि उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे और दूसरी तरफ ये तो उसका अपना पर्सनल इशू है बट अगर ज्यादातर लोगों की सपोज जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को उनको जो है इनकम नहीं मिलेगी कोई उनका इनकम का सोर्स नहीं होगा जब उनका इनकम का सोर्स किसी भी तरह का नहीं होगा तो उनको अपना लाइवलीहुड सस्टेन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी जब उन्हें अपना लाइवलीहुड सस्टेन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी हो सकता है उनके पास में खाने को ना हो पीने को ना हो हो सकता है उनके पास में रहने को भी ना हो वो यहाँ वहाँ एक दूसरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे और धीरे धीरे करके जो है पावर्टी आ जाए ठीक है धीरे धीरे करके क्योंकि बहुत ज़्यादा सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी के पास में जॉब नहीं है तो धीरे धीरे करके हमारे यहाँ पावर्टी आ जाए और पावर्टी इज अ सोशल इशू तो हर एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन जो है वो सोसाइटी को अफेक्ट करता है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ दी सोसाइटी को डिफरेंटली अफेक्ट करता है बट अफेक्ट सभी को करता है तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन के अपने सोशलॉजिकल सिग्निफिकेंस है एंड देर आर देयर फॉर शार्पली डिवाइडेड व्यूज अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन रिगार्डिंग इट्स अफेक्ट का आना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम इस वर्ल्ड को और ज्यादा अच्छा बना पाए क्योंकि देखो कनेक्टिविटी अच्छी हो पाएगी ट्रेड बहुत अच्छे से हो पाएगा सभी एक दूसरे के साथ में फ्री रहेंगे सभी को सारे प्रोडक्ट जो है वो मिल पाएंगे ईजी अवेलेबिलिटी हो पाएगी तो अल्टीमेटली हम इस पूरे वर्ल्ड को और ज्यादा अच्छा बना पाएंगे तो इसीलिए भी जो है ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है

जो है नई चीज नहीं हो रही है बस ये एक प्रोसेस है जो कि चलता हुआ आ रहा है सो इन द नेक्स्ट टू लुक एट दीज इश्यूज

ग्लोबलाइजेशन जो है उसके डिस्टिंगटिव फीचर्स हैं या नहीं और अगर हैं तो क्या फीचर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के उसके डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट्स को हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में सो so बेसिकली ये जो पूरा लेक्चर था इसमें आपको मेनली इस चीज पर ही डिस्कशन किया गया है कि ग्लोबलाइजेशन का सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये ग्लोबलाइजेशन हमारी सोसाइटी में कितना ज़्यादा यूजफुल है हमारी सोसाइटी के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन सारी चीज़ों को हमको डिटेल में समझने की जरूरत है क्लियर है ये भी आया यहाँ तक समझ में आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा सो बेसिकली सोशल चेंजेस कैसे होते हैं सोसाइटी किस तरह से चेंज होती है सोसाइटी के जितने भी सारे टॉपिक्स हैं और ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ सोसाइटी को ही स्टडी नहीं करते हैं बल्कि उसके सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल हर एक आस्पेक्ट को डिटेल में समझा जाता है विद स्पेशल रेफरेंस टू ग्लोबलाइजेशन एंड स्पेशली इन ट्वेंटी सेंचुरी

बोल सकते हो क्लियर है आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अब नेक्स्ट लेक्चर्स में इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे बस जाते जाते एक और छोटी सी चीज़ कि मैग्नेट बेंस की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करोगे तो सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिलते हैं साथ ही साथ में आपको मैग्नेट बेंस का जो ऐप है उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो अब इसके बाद में चाहिए कि सब कुछ बिल्कुल सीक्वेंस वाइज मिल जाए बिना किसी दिक्कत के बिना किसी परेशानी के सो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है बस गूगल पर जाओ एंटर करो डब्ल्यू जैसे ये एंटर करोगे ये मैग्नेट बेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा

अब यहां से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो ये नहीं देखना है कुछ और देखना है यहाँ से कैंसिल कर दो सो so, बहुत ही इजीली आप मैग्नेट बेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो यहाँ आपको मिलती है 100 परसेंट फ्री ऑनलाइन एजुकेशन वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के यानी यहाँ आपको दो लेक्चर्स देखने के बाद में किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना है सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है सो आई होप सारी चीजें क्लियर होगी होंगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थैंक यू वेरी मच